नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में रोज वहां पे पहुंचते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर रोज रामलला के दर्शन करने वालों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पे मस्जिद का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया। अयोध्या में यह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद बनाई जा रही है, लेकिन अब इसके काम में रुकावटें आ रही हैं क्योंकि मस्जिद निर्माण के लिए पैसा ही नहीं जुटाया जा सका। तो क्या वजह है इसकी, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। राम मंदिर का सपना साकार, अधर में मस्जिद का निर्माण, राम भक्तों ने खोली तिजोरी, आर्थिक तंगी में मस्जिद कमेटी। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुए लंबा समय बीत गया। हर रोज हजारों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए भव्य मंदिर में आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का काम अब तक लटका हुआ है, या कहें कि शुरू ही नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि पैसों की भारी कमी की वजह से मस्जिद का काम आगे नहीं बढ़ पाया। इस बीच धन्नीपुर मस्जिद के निर्माण की देखरेख के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने 4 समितियों को भंग कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है तो उस पर कोई टिप्पणी करने की विषय वस्तु रह नहीं जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो जरूरी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, दलितों पर भाजपा सरकार में अत्याचार, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा, और भाजपा सरकार जो दलितों महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन बलात्कारियों अपराधियों को संरक्षण दे रही, उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। 19-19 पेपर लीक हो रहे हैं, उनको कैसे ध्यान भटकाया जा सके, इसलिए इन विषयों को लाया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अब किसी की कोई टिप्पणी का मतलब नहीं बचता है। खास बात तो यह है कि पिछले 4 साल में केवल 1 करोड़ रुपए ही जुटा पाए हैं, जबकि मस्जिद निर्माण के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मस्जिद के स्थान पर खेती करने का सुझाव दे डाला। इकबाल अंसारी ने कहा कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के लोग अगर ईमानदार होते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम हो गया होता। हमने पहले भी कहा है कि वहां मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है। धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पे खेती होनी चाहिए, जो अनाज पैदा हो उसको हिंदू मुसलमान में बांट देना चाहिए। देखिए, सरकार जो है जो भी कुछ करती है वो अच्छा ही करती है। सरकार ने तो 5 एकड़ जमीन दे दिया, लेकिन इंडो इस्लामिक कल्चर जो है के लोग जो है अगर वो ईमानदार होते तो आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम हो गया होता। हमने इससे पहले भी कहा था कि वहां जरूरत मस्जिद की नहीं है, और खेती करो, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दो। इससे बड़ा कोई सवाब नहीं, कोई इससे बड़ा पुण्य नहीं, क्योंकि अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या भगवान राम की नगरी है। अयोध्या में जो कुछ भी होता है लोग बहुत सोच समझ के काम करते हैं कि अयोध्या में साक्षात हनुमान जी भी देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है। तो अयोध्या में जो भी काम करो ईमानदारी से करो। अगर ये इंडो इस्लामिक कल्चर के लोग ईमानदार होते तो अभी तक वो लोग खेती करते, पर जो है कुंटलों अनाज पैदा होता, गरीबों में बढ़ गया होता और लोग खाते। आज जो है उनका अगर काम अच्छा होता तो निकाल लेने जाते, और ये इस्लामिक कल्चर भंग भी ना होता। तो हम ऐसे जो है सरकार से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये लोग जो है हिंदू और मुसलमानों को गुमराह करते हैं। आपको याद दिला दे कि 22 जनवरी को इसी साल रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण करने के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते मस्जिद निर्माण का काम अधर में लटका है। अब सवाल ये कि क्या अब मस्जिद की जमीन पे फसल उगेगी? सवाल ये भी कि क्या इकबाल अंसारी का सुझाव मुसलमान मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और हमारे साथ इस वक्त इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य चंद्रांशु जी महाराज जुड़ चुके हैं। प्रमोद मिश्रा हैं हिंदू धर्मगुरु, और नाजिम खान हैं मुस्लिम धर्मगुरु हैं। इकबाल अंसारी पूर्व मुख्य पक्षकार हैं, बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। शुरुआत इकबाल अंसारी जी आपसे ही करेंगे आज के कार्यक्रम की, कि
आपने ये जो कहा, क्या ये आहत होके कहा है या आपको लगता है कि जिनको जिम्मेदारी मस्जिद की दी गई थी उन्होंने गड़बड़ कर दिया, घपलेबाजी कर दी, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और मस्जिद का निर्माण नहीं हो पाया अब तक, जबकि मंदिर तैयार हो चुका है? देखिए, सवाल अयोध्या का है। सरकार ने तो 5 एकड़ जमीन ईमानदारी से दिया, सरकार ने 5 एकड़ जमीन दे दिया मस्जिद के लिए और मस्जिद का काम शुरू होना चाहिए था। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जो है ट्रस्ट बनाने वालों ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के लोग कहाँ के हैं, कौन है, उनको कौन जानता है, कौन नहीं जानता। क्योंकि जब उन्होंने नक्शा दिखाया तो जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को नक्शा पसंद नहीं आया, क्योंकि जो जितना भी नक्शा बनाया है वो नक्शा ऐसा लगता है कि ये म्यूजियम का नक्शा है, किसी बड़े होटल का नक्शा है। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जब जरूरत होती है तो 5 फुट की एक दीवार भी बना दी है तो मस्जिद तैयार हो जाती है और लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हो जाती है। तो जिस तरीके से नक्शा वहाँ बना हुआ है, जिस तरीके से लोगों को वो पसंद ही नहीं, इसलिए लोग चंदा भी नहीं दे रहे हैं। लोगों को मालूम है कि नक्शा दिखा करके हमको गुमराह, जो है मुसलमानों को गुमराह करते हैं ये लोग। नहीं तो आपने तो मुख्य लड़ाई लड़ी उसकी, फिर उसके बावजूद क्या आपको भी नहीं ये पता चल पाया कि भाई ये कौन लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, और अगर जिम्मेदारी दी थी तो क्या ये उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए? देखिए, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने प्राइवेट ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बना करके जो है ये लोग चाहते थे कि हम देश विदेश से चंदा वसूलेंगे और मस्जिद के नाम पे चंदा वसूलेंगे। ऐसी ऐसी प्लान दिखाते हैं जो मुसलमानों को आज तक रास नहीं आई, न मुसलमान उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। किसी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसका विरोध नहीं किया कि हमको मस्जिद बनाना है। लोगों ने, लोग जान गए, हिंदुस्तान का मुसलमान समझ गया कि 5 एकड़ जमीन मिल गई है, मस्जिद बन जाएगी। लेकिन नक्शा जिस तरीके से दिखाया जाता है लोगों के समझ में नहीं आता। लोग जानते हैं कि ये लोग चंदा वसूलने के नक्शा को बना के दिखाते हैं। तो इसके लिए आप किसे कसूरवार मानते हैं कि भाई किसकी खामी रह गई? इतने साल तक लंबी लड़ाई लड़ी, सरकार ने जमीन दे दी लेकिन मस्जिद का निर्माण नहीं हो पाया। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंची। नाजिम खान हमारे साथ हैं। नाजिम, ये चूंकि लड़ाई मस्जिद की लंबी चली, जमीन दे दी गई, ट्रस्ट आपके उधर भी बना लेकिन निर्माण नहीं हुआ, कहां कमी रह गई, कहां खामी रह गई? हाँ, देखिए, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के एवज में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें 5 एकड़ जो जमीन दी गई थी, देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया क्योंकि ये एक संवैधानिक फैसला था जो हम लोगों ने उस फैसले को स्वीकार करके बाबरी मस्जिद का जो आया था उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में क्या है, जिस तरीके से ये मस्जिद के लिए जमीन दी गई थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी ना करते हुए फिर भी हम लोगों को ये जमीन स्वीकार नहीं थी क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये जमीन हमें मिले। क्योंकि देखिए, हम लोगों का यकीदा है कि जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है इंशाल्लाह हमेशा कयामत तक वहां मस्जिद ही रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने सर माथों पे लिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। और रही बात यह कि जिस तरीके से अभी इकबाल अंसारी जी कह रहे हैं कि वहां पर खेती बाड़ी होनी चाहिए, गरीबों में, मुसलमानों में, सब में वो खेती बाड़ी के जो अनाज पैदा होगा वो सब में तकसीम करना चाहिए ताकि वहां सवाब मिले, पुण्य मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी जमीन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एक अस्पताल बना दीजिए। सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस 5 एकड़ जमीन पे एक भव्य सरकारी अस्पताल बना दीजिए जहां पर हिंदू भी, मुसलमानों का, सबका इलाज फ्री हो और यहां पर गरीब बच्चे भी आए एजुकेशन। नहीं तो ये सुझाव आपने क्या उस कमेटी को दिया जो इसका मस्जिद निर्माण की जिसकी जिम्मेदारी थी? भाई उनको सुझाव देते ना, जैसा इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि भाई आप वहां पे खेती कीजिए और वहां से जो फसल उगे उसको हिंदू में भी बांटिए, मुसलमान में भी बांटिए, या तो फिर सबकी एक राय ये होनी चाहिए। देखिए, मैंने शुरू में ही कह दिया कि देखिए ये जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद को लेकर आया था और देखिए हम लोगों ने स्वीकार करा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन हम लोगों ने जो पहले सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हमें ये जमीन नहीं चाहिए, हमें ये जमीन नहीं चाहिए, तो हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि अब ये जो जमीन है यहाँ इस जमीन पे सरकार एक सरकारी अस्पताल बना दे ताकि सभी का इसमें फायदा हो। लेकिन हम लोगों को अब इस बारे में कुछ नहीं कहना क्योंकि देखिए बाबरी मस्जिद का फैसला आ चुका है। लेकिन जो हमारे दिल के अंदर ये था कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो हमने स्वीकार करा और आगे तक हम हमेशा इस फैसले को स्वीकार करेंगे। वो सारी बातें ठीक है, वो तो स्वीकार करना ही था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अब जब आप जमीन दी गई
इसके लिए कहा गया कि भाई आप एक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन भी बना, लेकिन क्या उसने उस फाउंडेशन ने काम ईमानदारी से नहीं किया? क्या फंड खा गए? क्या यहां घपलेबाजी हो गई? भाई निर्माण क्यों नहीं हो पाया? मंदिर का भी तभी शुरू हुआ था काम, मस्जिद का भी। हाँ देखिए बाबर, ये जो निर्माण की बात आती है तो मैं ये कहता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि आखिर वहां पर निर्माण क्यों नहीं हुआ। उस जांच होनी चाहिए, जांच से पता चल पाएगा आखिर क्यों निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि भारत के मुसलमान ने मना कर दिया था कि हमें ये जमीन नहीं चाहिए। तो देखिए अब भी मैं वही कहता हूँ कि जब जमीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलॉट है तो इस जमीन का फायदा गरीब आदमियों को मिलना चाहिए। यहाँ पर अस्पताल बना दीजिए, अस्पताल से बढ़िया और कोई नहीं होगा। और इसके साथ साथ मैं बार बार ये कहता हूँ यहाँ पर अच्छा सा स्कूल बनाया जाए। अगर स्कूल अच्छा होगा यहाँ पर हर तबके के बच्चों को तालीम मिलेगी, यहाँ पर हिंदू के बच्चों को भी तालीम मिलेगी या मुसलमान के बच्चों को भी तालीम मिलेगी। और कॉलेज का नाम जो है किसी भी शहीद के ऊपर रखा जाए ताकि देश का हर नागरिक इस कॉलेज में अपने पढ़ाई प्राप्त करे तो एक गर्व महसूस करे। तो बार बार मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो एक जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। इकबाल अंसारी जी बार बार कह रहे हैं यहाँ पे गेहूं की खेती होनी चाहिए। तो देखिए हम लोग तो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, अब हम लोगों के अंदर इतनी बात कहने की क्षमता नहीं है क्योंकि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोगों के लिए सर्वमान्य है क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता और हम लोगों ने संविधान का पालन करा और संविधान को माना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया है। इकबाल अंसारी जी, क्या देखिए आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे आप खेती कर लो, ये कह रहे हैं कि वहां पे कॉलेज बना दो या अस्पताल बना दो, ये आहत होके दिल से आवाज निकल रही है या फिर आपको लगता है कि भाई जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वही गलत लोग थे, उनको ना देके किसी और को देनी चाहिए थी, कोई और कमेटी बननी चाहिए, या आपको लगता है इसमें जांच होनी चाहिए? पांच एकड़ जमीन सरकार ने दे दिया और ऑलरेडी वहाँ मस्जिदें हैं जहाँ पे जमीन मिली हुई है, वो जमीन कृषि योग्य है और चंदा वसूलने की जरूरत भी नहीं है। जो लोग इसमें लगे हुए थे, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया था मुसलमानों थे, उनसे पैसा वसूली कर रहे थे, खेती करने में कोई वसूली नहीं होगी। तो हम इसे साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, तो जो अनाज पैदा हो जो है गरीबों में बांटा जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, गरीब गरीब होता है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान होता है। मौलाना की भी जो है बात से जो है सहमत है क्योंकि सोच होनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो जमीन 5 साल हो गया क्योंकि इससे पहले वहां जहां जमीन मिली है वो आम की बाग है और जो है अगर वहां खेती हो लोग करना शुरू कर दें। हम तो एक सलाह देते हैं, जफर फारूकी साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, क्योंकि वहां बहुत से लोग हैं, वो किसी आदमी को जमीन जो है वहां पर सौंप दें कि लोग खेती करें, जो अनाज पैदा हो गरीबों में बांट दें। और मस्जिद के नाम पे जिस तरीके से जो है नक्शा दिखाया जाता है, हिंदुस्तान का मुसलमान उस नक्शे पे पैसा नहीं देगा, यह साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। और पूरे हिंदुस्तान की मुसलमानों की हमारी राय एक राय है लोगों की। प्रमोद मिश्रा जी, चूंकि मंदिर निर्माण तो वहां तो प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, लेकिन तभी मस्जिद के लिए भी जगह दे गई, वहां पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह आपको लगती है? चूंकि इकबाल अंसारी जी तो कह रहे हैं कि भाई वहां पे आप खेती कर लो, अनाज हो तो वो हिंदू मुस्लिम गरीबों में बांट दो, उधर दूसरे नाजिम खान भी कह रहे हैं कि वहां पे कॉलेज बना देना चाहिए या अस्पताल बना देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, जो कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं या कहीं देखे जाते हैं वो जैसे नहीं होते, कहीं कहीं हवा बना भी दिया जाता है। लेकिन जैसे इकबाल अंसारी साहब बाकी नाजिम साहब से डिबेट में कई बार हम लोग जुड़े हैं, साथ में देखा हमने, सटीक बात करते हैं, उचित बात करते हैं, जो समाज कल्याण के लिए राष्ट्र कल्याण के लिए सही हो और सटीक बात करते हैं। इस विषय में भी जो कि 2020 में जमीन दी गई थी बाबरी मस्जिद के लिए, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो ये जानते हैं, ये लोग भी जानते कहीं ना कहीं कि वो निर्णय किसी गलत हाथों में चला गया है, सही हाथों में नहीं गया है। शायद सही हाथों में गया होता तो सरकार का जो निर्णय था वो निर्णय आज तो दिखाई देता कि हाँ मस्जिद दिखाई देती। भारत का चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, यहाँ पर एक वही जो परंपरा पुरानी रही है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
वही स्थिति पहले भी रही है, वो आज भी है। आज भी जो यहाँ के पुराने और पुराने ख्यालों के पुराने रीति रिवाज परंपराओं से मुसलमान जुड़े हुए हैं और हिंदू जुड़े हुए हैं, आपस में मिल करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए काम करते हैं, आज भी करते हैं, वही लगता आगे भी करेंगे। तो जो इनका निर्णय है, इनकी बातें हमने सुनी इकबाल साहब की और साथ में हमारे नाजिम साहब की बातें सुनी, बातें बिल्कुल सटीक है और राष्ट्र सम्मत है, राष्ट्र कल्याण के लिए बातें सही उतरती है जी। तो इकबाल जी, अब क्या इस लड़ाई को भी आप आगे लेके जाएंगे, चूंकि आपने उसको लेकर भी मस्जिद के पक्ष में भी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया, आपने उस लड़ाई को लड़ा, अब जब आपको लगता है कि आपकी आंखों के सामने कुछ चीजें गलत हो रही हैं, तो इसकी आवाज को भी मुखर करेंगे आप? देखिए, हम तो आवाज इससे पहले भी उठाते रहे, आज भी उठाते रहते हैं। अयोध्या में हम रहते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बीच में रहते हैं, साधु संतों के बीच में रहते हैं। आज हम सब जो है संविधान को भी जानते हैं, संविधान ने फैसला कर दिया, हमने उसका सम्मान किया। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक सौहार्द बनाने का हमारा एक काम है, हम ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर हमारा जो है सौहार्द हमेशा बना रहेगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। हम कानून की बुराई कभी नहीं करते, जो भी कानून बनता है वो देश हित में बनाया जाता है, बहुत से कानून बनते हैं जो देश हित में होते हैं, हम कानून का भी विरोध नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा तो देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। जो हम सलाह देते हैं, क्योंकि जमीन 5 एकड़ जो है मस्जिद की जमीन मिली, हम उससे राजनीति करना नहीं चाहते, हम उसके लिए देश विदेश में चंदा वसूलना नहीं चाहते, हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करते देश विदेश का चंदा हो या जो है घूम घूम के लोग चंदा वसूलें, हाथ में एक रसीद हो और सर पे जो है लोग टोपी लगा करके ये रसीद लिए मोहल्ले मोहल्ले में घूमें। उस जिस मोहल्ले में जमीन मिली है अगर वहाँ मस्जिद जो है मस्जिद बनाना होता तो एक एक रुपए उस मोहल्ले का आदमी ला करके वहां दे गया होता और मस्जिद बन गई होती। अगर इनको मस्जिद बनाना होता तो इनको तो मस्जिद बनाना नहीं है, इनको नक्शा दिखाना था, नक्शा दिखाओ म्यूजियम का और पैसा लेकर के खूब घूमेंगे, एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी होगी और उसके बाद में 2-4 आदमी साथ में घूमेंगे। तो हमको ये पसंद नहीं है, हम अयोध्या साधु संतों की नगरी में रहते हैं, वलियों की नगरी में रहते हैं, बुजुर्गों की नगरी में रहते हैं। ये अयोध्या की ऐसी धरती है कि हम साफ कहते हैं कि अयोध्या में ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा, ये अयोध्या की ऐसी धरती है, हर धर्म के हर जात के देवी देवता हिंदू और मुसलमानों के सारे लोग विराजमान हैं यहाँ। और साक्षात लोग देखते हैं अयोध्या में, हलो तो पहले सरजू नदी है, सरजू नदी पार करने पे आपको अयोध्या का दर्शन होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप वहां से चलेंगे तो आपको हनुमान जी मिल जाएंगे, फिर भगवान राम मिल जाएंगे, फिर सारे धर्म के जो है बिजली शहीद मिल जाएंगे, शीश अलैहिस्सलाम की मजार मिल जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम की मजार मिल जाएगी, उसके बाद भगवान राम का मंदिर मिल जाएगा और हर धर्म के मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, हनुमान जी की तो जो है दो तीन बड़ी बड़ी मंदिर है, तो सारे देवी देवता यहाँ विराजमान है। तो हम ये साफ कहते हैं कि अयोध्या से लोग राजनीति ना करें, अयोध्या की ऐसी धरती है कि यहाँ लोग आते हैं, जो लोग वो श्रद्धा के साथ आते हैं, जो अपनी मनोकामना। ठीक है नाजिम, 10 सेकंड जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है, नाजिम 10 सेकंड। हाँ हाँ राजेश जी, देखिए बाकी इकबाल साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मुझे एक आपत्ति इनके शब्दों से, उन्होंने कहा ना जालिम रहेगा ना आलिम रहेगा। हम चाहते हैं कि जालिम तो ना रहे लेकिन आलिम जरूर है, क्योंकि आलिम इल्म हासिल करने वाले जो होते हैं वो आलिम होते हैं, और देखिए देश के अंदर इस वक्त जरूरत है इल्म हासिल करने की। तो मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर हॉस्पिटल और कॉलेज बनाए जाए ताकि यहाँ पर इल्म हासिल हो सके। ठीक है, एक पत्र उस कमेटी को भी लिख दीजिए जिसकी जिम्मेदारी ये करने की है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब अयोध्या में एक तरफ चूंकि मस्जिद के लिए जमीन दी गई लेकिन अब तक निर्माण नहीं हो पाया, उसको लेके इकबाल अंसारी ने कई तरह के सवाल उठाए और वो ये कह रहे हैं कि वहां पर आप मस्जिद छोड़िए, वहां पर आप खेती कीजिए और जो वहां पे अनाज हो वो हिंदू मुसलमान में बांट दीजिए। अब ये उनके दिल की एक तरीके से वो आहत होके कह रहे हैं या वाकई उनको लगता है कि जिन लोगों पे जिम्मेदारी थी इसको करने की उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया है।